देखिए बच्चे इधर सब, बेटा ये चैप्टर है आपका इंडियन इकोनॉमिक्स का रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको बताया था जो इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर हैं वो एक सीरीज में स्टोरी काइंड ऑफ चलते रहते हैं आपके। अगर हम अपने फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो हमने इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था कि भाई 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसके अंदर कुछ कमियाँ देखी गई थी कि एग्रीकल्चर जो था स्टेगनेंट था, इंडस्ट्रीज बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं थी, ठीक है, फॉरन ट्रेड बिल्कुल अच्छा नहीं था हमारे यहाँ का। ये तो वो मेजर पोर्शन थे जो आपसे डिस्कस किए गए। लेकिन आज भी क्या बोला जाता है कि मोर देन 70% पीपल्स आर लिविंग इन अ विलेजेस, 70% से ज्यादा लोग कहाँ पे रह रहे हैं, आज भी गांव में रह रहे हैं। तो आप सोचो कि आज भी जब 70% गांव है तो उस टाइम तो ज्यादातर गांव ही होंगे। लेकिन जो रूरल डेवलपमेंट है वो टर्म कैसे बना, ग्रामीण विकास। रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, गाँव का विकास किस तरीके से किया जाए, ठीक है। अब जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो पहले हमें यह समझना है इस चैप्टर के अंदर कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर या रूरल एरिया के अंदर कमियां क्या क्या थी जिसकी बेस पे हम क्या कर सकते, उसका डिमांड डेवलपमेंट कर सकते थे। तो वही अगेन जिस तरीके से आप चैप्टर पढ़ते हो सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं बेटा इसके अंदर। सबसे पहले आएगा बेटा इसके अंदर कि रूरल डेवलपमेंट बोला किसे गया, ठीक है। कहता है रूरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ अ पीपल लिविंग इन अ रूरल एरिया। ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं उनकी जो लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर सुधार लेके आना, ये क्या कहलाता है हमारा, रूरल डेवलपमेंट कहलाता है। Often relatively isolated and separately populated area, rural development has traditionally centered on the exploitation of a land-intensive natural resources such as agriculture and forestry. हमें पता है बेटा अगर आज भी गांव की बात आती है या एग्रीकल्चर की भी बात आती है तो एग्रीकल्चर शहर में तो नहीं होता, होता है कहीं पे, देखा आसपास दिल्ली के अंदर खेत है जहाँ पे कोई चीज उगाई जा रही है, नहीं होता। यानी सारा का सारा कहाँ पे होता है सर, गाँव के अंदर होता है। तो जितना भी रूरल डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है सर, हमारा पूरा का पूरा एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर करने वाले कौन होते हैं सर, सारे ग्रामीण इलाके यानी विलेजर्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है। अब कहता है आगे, रूरल डेवलपमेंट इज द कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द रूरल लाइफ। ये बेसिकली क्या है बेटा, देखो आप कुछ सोचो, देश को आजाद हुए 76-77 साल हो गए, तो आज भी 70% क्या बचा हुआ है हमारे देश के अंदर, गाँव बचे हुए हैं, समझ रहे हो। यानी 30% ही कन्वर्ट हुए किसके अंदर, अर्बन एरियाज के अंदर 75 साल के अंदर। तो आने वाले टाइम में 70% को और कवर करना, तो यानी इतना इजी प्रोसेस नहीं है कि आज आप चाहो और सारे के सारे गांव को एकदम सडनली क्या कर दोगे, डेवलप कर दोगे। ये कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस है जो धीरे धीरे करके क्या चलती चली जाएगी, ग्रो करती चली जाएगी, ठीक है। ट्रेडिशनली रूरल डेवलपमेंट हैज बीन फोकस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ लैंड इंटेंसिव नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर। However, growing urbanization and changes in the global production networks have changed the character of rural areas today. देखो पहले क्या होता था, ये माना जाता था कि अगर ग्रामीण इलाके की बात हो रही है, गांव की बात हो रही है, तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर कर रहे होंगे। लेकिन आज प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे कुछ कुछ इंडस्ट्रीज भी लगी हुई हैं, जहां पे वो काम चलते हैं। कहता है रूरल डेवलपमेंट रिमेन एट द कोर ऑफ द कंट्री ओवरऑल डेवलपमेंट। मोर देन 2/3 ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर अ लिविंग एंड 1/3 ऑफ रूरल इंडिया इज स्टिल बिलो द पुअर्टी लाइन। हमने ये कई बार लाइन पढ़ ली कि लगभग हमारी 2/3 जनसंख्या क्या करती है बेटा, एग्रीकल्चर करती है, पहली चीज। दूसरा क्या है सर कि जो 1/3 है वो जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं सर, पुअर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। कहते हैं एज अ रिजल्ट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू बी प्रोडक्टिव एंड प्रोवाइड एडिक्वेट एमिनिटीज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसलिए गवर्नमेंट के लिए ये जरूरी बन जाता है कि हमें गाँव के अंदर भी क्या करनी चाहिए बेटा, सुख सुविधाएं दे, जिससे कि वहाँ के लोग भी क्या कर सकें, ग्रो कर सकें। देखो गांव में पाए जाने वाली इनको समझने से बढ़िया है पहले आप प्रैक्टिकलिटी पे आ जाओ कि हम खुद से सोचते हैं कि सर गांव में पाए जाने वाली क्या क्या दिक्कतें होंगी, आपके अकॉर्डिंगली क्या क्या दिक्कतें हैं गांव में। सबके गांव कोई ना कोई तो होंगे, विलेजेस, लाइट और रोड्स अच्छे नहीं है, और एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क प्रॉब्लम, ये सबसे जरूरी थी, ठीक है, और वाटर, ठीक है, और हॉस्पिटल्स, हाउसेज अच्छे नहीं है। अब देखो यहीं से पॉइंट उठा लो, हमारी चार बेसिक नीड्स क्या हैं, रोटी, कपड़ा, अच्छे स्कूल्स, एजुकेशन, हॉस्पिटल, साफ सुथरा पानी, सारा कुछ ही नहीं है वहाँ। यानी बेसिक जितनी जरूरतें हैं वो वहाँ पे अभी तक फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। तो ये अब गवर्नमेंट के लिए जरूरी बन जाता है कि जितने भी ग्रामीण इलाके हैं बेटा उसके अंदर क्या किया जाए, ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए और वहाँ पर भी ग्रोथ लेके आई जाए। अब गवर्नमेंट देखो उसके ऊपर काम कर भी रही है। अगर आज की डेट में देखो किसी भी रूरल एरिया में चले जाओगे तो अगर हम एक पॉइंट हटा देते हैं, सड़कें, सड़कें अब वैसी नहीं रही। सड़कों में आप चाहे हाईवे चले जाओ, चाहे आप गली नुक्कड़ चले जाओ, चाहे किसी गांव में घुस जाओ, वहां पे सड़कें क्या हो गई आज के डेट में, काफी अच्छी
कर दी गई हैं, लेकिन यही है कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहा है, तो एक डिपार्टमेंट के काम अच्छे करने से कुछ नहीं होगा, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को भी उसी लेवल पे क्या करना पड़ेगा, आपका काम करना पड़ेगा। कहता इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कहते टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड वेजेस ऑफ अ रूलर, सबसे पहले बेटा ग्रामीण इलाकों के लोगों की प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी, यानी वहां पे काबिलियत तो है, रिसोर्सेज भी है, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सब अगर हम वहां पे प्रोवाइड करा दें तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। टू गारंटी इंक्रीज एंड क्विक एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि गाँव के अंदर किसी भी तरीके से लोगों की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्या करा जाए, बढ़ाया जाए, ठीक है। टू डिमोलिश अनएम्प्लॉयमेंट एंड ब्रिंग अ नोटेबल डिक्लाइन इन द अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करी जाए, दूसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, ज्यादातर गाँव के जो लोग होते हैं वो दो दो चार चार घंटे काम करने वाले होते हैं, यानी पूरे दिन वो काम नहीं करते, तो ऐसी चीज से भी उनको हटाया जाए। बेसिकली अगर शॉर्ट में बताऊं ना, दोनों पॉइंट्स का मतलब ये है कि जो गाँव का ह्यूमन कैपिटल है या ह्यूमन रिसोर्स है उसका यूटिलाइजेशन पूरे तरीके से किया जाए, जिससे कि बेस्ट से बेस्ट यूज उसका हो सके, ठीक। टू गारंटी एंड इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन, और वहां के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी क्या किया जाए, थोड़ा सा सुधारा जाए। टू प्रोवाइड द बेसिक नीड्स, एलिमेंट्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, रूरल रोड्स एक्सेट्रा, ये सारे आपने खुद ही बताए थे, ठीक है ना, कि आपको पता थी ये प्रॉब्लम्स है, तो इन सबके अंदर भी क्या लेके आया जाए बेटा, गाँव के अंदर सुधार लेके आया जाए, तब जाके कुछ वहां पर प्रोसेस बढ़ेगी। फिर आता है बेटा प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट में है क्या, कि किस तरीके से हम कौन सी प्रोसेस चलाएं कि रूरल डेवलप हो सके। पहला है सर डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स, कहते थे क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मस्ट बी इम्प्रूव्ड, कैसे की जाए वहां पे जो ह्यूमन है, पहला प्रॉपर अटेंशन टू द लिटरेसी, पर्टिकुलरली फीमेल लिटरेसी, स्कूलिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, वहां पे कोशिश करी जाए बेटा कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको साक्षर किया जाए, पढ़ाई लिखाई कराया जाए और अच्छे तरीके से उनको ग्रो किया जाए। बेटर हेल्थ फैसिलिटी फॉर अ फिजिकल ग्रोथ, और वहां के लोगों को क्या दिया जाए बेटा, एक तरीके से फिजिकल ग्रोथ के लिए एक बेटर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए। सैनिटेशन फैसिलिटीज इन होम एंड वर्क प्लेसेस, बेसिकली सैनिटेशन फैसिलिटीज, जैसे टॉयलेट मूवी आई थी तो बेसिकली ये चीजें भी अभी बेसिक मिसिंग थी, आज प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, आज की डेट में थोड़ा सही हो चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पे बेटा कुछ रोल्स प्ले करते हैं, ठीक है, इन चीजों को समझना। चलो अगर हम एक नॉर्मल बात करते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे विजिट कर सकते हैं, जो हम कहीं पे भी जा सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे, आप गुरुद्वारे एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी कम्युनिटी बैन नहीं है, ठीक है, चार धर्म है इंडिया के अंदर, चारों धर्म वहां जा सकते हो, कोई नहीं रोकता वहां पे, ठीक है। मंदिर के अंदर चलो कह सकते हैं कि हाँ भाई एक पॉपुलेशन है वही जा सकती है, पहुंच गए। लेकिन आप ये देखो जब आप इन स्पिरिचुअल जगह पे जाते हो डिफरेंस कितना है, आप बताएगा किस किस चीज में डिफरेंस है। आपको एक बेसिक सा डिफरेंस पूछता हूं, गुरुद्वारों में टॉयलेट्स है, मंदिरों में भी टॉयलेट्स है, क्या फर्क है दोनों में, है मेंटेनेंस का, क्लीनिनेस का, ठीक है। मंदिरों में मैंने जो अभी अगर प्रेजेंट टिल द डेट मैंने अगर जो फील किया, कुछ मंदिर ले लें जैसे झंडे वाला, बहुत साफ रहता है, बहुत ही ज्यादा साफ रहता है, क्योंकि वहां की कमेटी ऐसी बनी हुई है जो उसको गाइड कर रही है, जिसे संभाल रही है। मतलब मेरे नजर में एक या दो ही मंदिर है जो बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन है, मतलब अगर जैसे मान लो शिवरात्रि है तो शिव जी का मंदिर भी क्लीन नहीं मिलता, क्यों, जो मालाएं हैं वो सब कुछ कहाँ पे मिलेगा आपको, सब पैरों में मिलेगा, वहां पे होता है ना, यही हो रहा है ना नेचुरल, तो वैसे आप उस माला को चढ़ा भी रहे हो और फिर जो दूसरा चढ़ा के गया आप उसी माला पे चढ़ के फिर आप उस पर जल भी चढ़ा रहे हो, तो वो सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ खाना जो होता है, खाने का बेटा जो इम्पोर्टेंस देखा गया, हमने देखा, देखो मंदिरों के अंदर, देखो हम भी हिंदू ही हैं, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वेस्टेज है गुरुद्वारे के कंपैरिजन में बहुत कम है। और वहां पे मैं आपको बताऊं ये सिख लोगों की अच्छाई नहीं है, सिख लोगों का तो चलो अच्छाई है, वो अच्छाई कहाँ की है, उसके मैनेजमेंट की है। आप अगर खा रहे हो ना मंदिर के अंदर तो कोई रोकने वाला नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ शिवजी के कुछ मंदिर हैं, जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ, अगर आप चले जाओगे धाम आप वहां से उठ नहीं सकते, प्लेट में अगर कुछ छोड़ दिया वहीं बिठा लेते हैं वो, ठीक है, ऐसे बिठा देंगे, बोले यहीं बैठो, खत्म करके जाना या पैक करके ले जाओ, वो उठने नहीं देते वहां से, एक दाना आप नहीं डाल सकते डस्टबिन में, ठीक है। तो ये चीजें बेटा क्या है, देखनी चाहिए हमें, हमें सुधारनी पड़ेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ गुरुद्वारों के अंदर, बंगला साहब चले जाओ आप, ठीक है, शायद ही हमारे में से किसी भी घर के अंदर भी इतना टॉयलेट क्लीन मिलेगा आपको, जबकि हमारे घर में हम सब 5-7 जने ही होते हैं जो उसको यूज करते हैं, वहां पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेली का अप डाउन करते हैं, उसके बाद भी वो हमारे घरों से साफ पड़े हैं। रीजन है मैनेजमेंट सही तरीके से करता है और वहां के लोग भी थोड़े शिष्टाचारी हैं, वो मानते हैं कि धर्म स्थान के ऊपर हम हैं तो हमें यहाँ पे थूकना नहीं है, हमें यहाँ पे ये काम नहीं करने, उल्टे सीधी चीजें नहीं करनी है, लेकिन मंदिरों में ऐसा क्यों नहीं होता। और वो भी लोग तो हम ही है ना एक्चुअल के अंदर देखा जाए,
तो बेसिकली कहने का मतलब है कि हर एक चीज का सोल्यूशन है, बात ये डिपेंड करती है कि आप उसको किस तरीके से यूज करते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी तो रिसेंट थोड़ा सा चेंज हो गया टाइम, अगर गुरुद्वारे में हम एक टाइम पे जाते थे, जैसे मैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल गया एक बार विजिट करने, देखो बेसिक क्या है, देखो पहनना ओढ़ना ना, मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ, पार्टी के लिए अलग ड्रेस बनी थी, स्कूल्स के लिए आपके अलग ड्रेस है, ट्यूशन में आप अलग तरीके से बैठे हो, वैसे ही एज अ फीमेल और एज अ बॉय हमें ये समझना चाहिए कि सर धर्म स्थान के लिए भी एक ड्रेस होती है, वहाँ पे हमें उसी ड्रेस के अंदर यूज करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते और मंदिरों में कोई टोकता भी नहीं है। वैसे हनुमान जी स्ट्रिक्ट है, हनुमान जी को हम फॉलो करते हैं, लेकिन जब ड्रेस पहनने की बारी आती है तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन से मंदिर में जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, जिसके अंदर वो खुद ही क्या थे ब्रह्मचारी इतने बड़े लेवल के, और हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, हमें खुद ही नहीं तुकारी दिमाग में। गुरुद्वारों में ऐसा सीन नहीं है भाई, वहाँ पे जो खड़े होते हैं गुरुद्वारे के अंदर, जो कह लो वहाँ बाबा खड़े हैं या जो भी वहाँ पे खड़े हैं, वो अगर आप वहाँ पे जाते हो आपकी चुन्नी भी सिर से नीचे उतर जाएगी ना, वहीं बुला लेते हैं वो, इस चुन्नी को जरा सीधा कर लो, मत्था टेक रहे हो चुन्नी सिर पे होनी कंपलसरी है, इधर से उधर भी हो गए तो वहीं खड़ा कर देंगे। मेरे सामने की बात है बंगला साहब में, एक कोई फैमिली आई थी, जब तक चली गई उसने शॉर्ट्स पहनी थी, लड़की जैसी बैठी ना उसने मत्था टेका, भाई साहब बाबा जी ने वहीं उठा दिया गुस्से में उसे, कह रहे खड़े हो बाहर चलो आप, कह रहे गुरु के दरबार में आओ, आए कैसे ये तो देख लो, फैमिली को अलग डाटा उसकी। तो ये ना मतलब देखो ये ना ऑर्थोडॉक्स सोच नहीं होती, मैंने आपको पहले एग्जांपल क्या दिया, हर चीज के लिए एक ड्रेस बनाई गई है बेटा, है ना भाई, शादी में जींस टॉप में क्यों नहीं बैठते, नहीं बैठते ना, कोई पता है शादी में भैया लहंगा पहनना है तो वहां लहंगे में बैठे हो ना, तो उस तरीके से हमें भी चीजें समझनी चाहिए कि भैया हर चीज के लिए क्या बना है, एक टाइम बना है। खाने की वेस्टेज में आपको पहले भी बता चुका हूँ बेटा, जितनी कम करोगे वो आगे किसी ना किसी के क्या आएगा बेटा, उतना ही ज्यादा यूज आने वाली चीज है। मैं आपको पहले भी बताया था, ये टमाटर आलू उगाने के अंदर ना किसानों के भाई साहब हाथ पैर फूल जाते हैं, इतनी आसानी से ये नहीं उगते हैं जो आप एक मिनट में डस्टबिन में फेंकते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा इन पे आप करना काम। उसके बाद आते हैं हम यहाँ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, बेसिकली कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स इंप्रूवमेंट इन द इलेक्ट्रिकल इरिगेशन क्रेडिट मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एंड इंप्रूव्ड एग्रीकल्चर रिसर्च एक्सटेंशन एंड इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन। बेसिकली क्या है बेटा, सिंचाई के साधन दिए जाए, वहां पे जो लोन प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज है वो इजी करी जाए, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज लेके आए जाए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। देखो दिल्ली के अंदर तो क्या है बेटा, दिल्ली मेरे ख्याल से मैं ऐसी जगह मानता हूँ, चाहे इंटरनेशनल जाना हो आपने चाहे लोकल जाना हो, यहाँ से ही सब कुछ चलता है। कई वर्ल्ड की फ्लाइट्स ऐसी हैं बेटा, बंदा चेन्नई रहता है, चेन्नई से पहले दिल्ली की फ्लाइट करता है, दिल्ली से फिर डायरेक्ट फ्लाइट है उस जगह की, बंदा दिल्ली ही एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसा है, अब शायद जेवर हो जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि गाँव में बेटा आज भी ना ये पता है कि दिल्ली जाने वाली बस दिन में दो बार ही आएगी, एक सुबह 5 बजे और एक शाम को 7 बजे, उसके अलावा पूरा दिन कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बैठो इंतजार करो, है ना। तो आज भी वहां पे ऐसा चलता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, मेट्रो तो भूल ही जाओ, रेल की पटरियां तो ऐसे भूल ही जाओ कि हर जगह पे बनी हुई है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत लैक करती है वहां की। फिर आते हैं बेटा लैंड रिफॉर्म्स पे, कहता है इट ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स द एनिमिलेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम द लैंड रिलेशन, रियलाइजेशन ऑफ लैंड टू द टिलर, वेंडिंग द रूरल पीपल लैंड बेस दैट इंप्रूव्स देयर सोशल इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस एंड इंप्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। लैंड रिफॉर्म हम कई बार पढ़ चुके हैं, लैंड रिफॉर्म है क्या कि जो भी कानून बना हुआ है लैंड से रिलेटेड उसके अंदर सुधार लेके आया जाए, किसानों को कम से कम रेट के अंदर जमीन प्रोवाइड कराई जाए जिससे कि वो कृषि कर सके, ठीक है। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, गांव के अंदर जरूरी है बेटा कि किसी भी तरीके से गरीबी को क्या किया जाए बेटा, वहां पे दूर किया जाए, क्या किया जाए वहां पे, क्या लिखा है, कहता है अप्रोक्सीमेटली 22% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज स्टिल पुअर, कहता है लगभग 22% जनसंख्या जो है बेटा वो अभी भी क्या है बेटा वहां पे स्टिल पुअर है, गरीब पाई जाती है, और बिलो द पॉवर्टी लाइन, या क्या है बेटा वो गरीबी रेखा से नीचे है। एंड अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द टोटल पीपल, अप्रोक्सीमेटली 27.82 करोड़, रिजाइड इन अ रूरल रीजन, कहां पे रहते हैं बेटा वो ग्रामीण इलाकों में। स्पेसिफिक मेजर स्कीम फॉर पॉवर्टी रिलीफ मस्ट बी इंप्लीमेंटेड, बेटा देखो गांव के अंदर ना अभी भी दिक्कत है, क्या बोला उसने कि 22% जनसंख्या क्या है गरीब है, और उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 75% का मतलब रिजाइड इन अ रूरल एरिया। अभी मैंने आपको 70% बोला था कि लगभग 70% आबादी कहाँ रहती थी हमारी, रूरल एरियाज में रहती है, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्टिव रिसोर्स, कहता है प्रोडक्टिव रिसोर्सिस इन ईच रूरल लोकेशन आर टू बी आइडेंटिफाइड एंड डेवलपमेंट सो दैट द एग्जिस्टिंग रिसोर्स कैन बी यूज्ड टू देयर फुल पोटेंशियल एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इन फार्म एंड नॉन फार्म एरियाज कैन बी डेवलप। इस पॉइंट को इस तरीके से समझो, कह क्या रहा है यहाँ पे वो,
कहता है हर गांव के अंदर या हर जगह पे ना कुछ स्पेशलाइजेशन होता है, उस स्पेशलाइजेशन को ढूंढो कि यहाँ की मिट्टी किस चीज के लिए उपजाऊ है या यहाँ पे बेस्ट क्या हो सकता है, उसको उस तरीके से फिर वहां पे जाके क्या करो यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, ये गवर्नमेंट की ना स्कीम्स बेटा बहुत सारी चल सकती है फ्यूचर के अंदर जिसके ऊपर काम किया जा सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है। हर गांव की कुछ स्पेशलिटी है, चाहे खाने में कह लो, पीने में कह लो, बनाने में कह लो, उगाने में कह लो, हर जगह पे कोई ना कोई चीज फेमस मिलेगी आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, कहता है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ अ रूरल डेवलपमेंट। पढ़ेंगे, कहता है जो रूरल डेवलपमेंट है उसका प्राइमरी फोकस किसके ऊपर होना चाहिए। देखिए इन चारों में से, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एरिया। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, लगभग मोर देन 2/3। Which of the following is not an objective of a rural development? इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है रूरल डेवलपमेंट का? बी है बेटा exploiting land intensive natural, मतलब exploit नहीं करना चाहते हम, उसे बचाना चाहते हैं उल्टा। ठीक है ना, कहता है व्हाट डज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज एनकंपास। कहता है जो रूरल डेवलपमेंट होता है ग्रामीण इलाकों में वो क्या दिखाता है। कहता है इंप्रूवमेंट इन हेल्थ केयर फैसिलिटी, बेटर एग्रीकल्चर रिसर्च, एनहेंस ट्रांसपोर्टेशन, डी ऑल ऑफ द। ठीक है, काफी टाइम बाद आया आपके लिए ऑप्शन। फिर आता है बेटा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पूपर पॉपुलेशन रिजाइड्स इन अ रूरल रीजन, कितनी है? 75%। ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा एक पॉइंट आया था हमारा रूरल क्रेडिट। देखो रूरल क्रेडिट का मतलब, क्रेडिट का मतलब आप सबको बताया क्या होता है बेटा, उधार। क्या होता है क्रेडिट का मतलब हमारा? उधार। कहते हैं रूरल क्रेडिट का मतलब क्या है और कैसे इसको करा जाए। कहते हैं ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड ऑन द टाइमली इंक्लूजन ऑफ अ कैपिटल टू रियलाइज हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो बेटा कोई भी चीज चल रही है देश में वो गवर्नमेंट की हेल्प से चल रही है। ग्रामीण इलाकों के अंदर क्रेडिट की जरूरत क्या होती है? पैसे की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। टाइमली गवर्नमेंट को इन्फ्यूज का मतलब होता है टाइम टू टाइम पैसा लगाते रहना चाहिए गांव के अंदर जिससे कि वो ग्रो कर सके। फिर आता है इन एग्रीकल्चर फार्मर्स आर इन स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ अ करंट ड्यू टू द लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन द क्रॉप सोइंग एंड द रियलाइजेशन। देखो गांव के अंदर क्रेडिट क्यों चाहिए होता है मैं आपको बताता हूँ। वो ना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आज वो खेती करेंगे, 6 महीने बाद वो उगेगी, फिर अगले 3 महीने बाद वो बिकेगी, यानी उनका 1 साल क्या लगता है उसे बना के बेचने में लग जाता है, तो इतने टाइम के लिए उन्हें खाली रहना पड़ता है। तो उन्हें इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए क्या चाहिए होता है? फाइनेंस की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है कि वो वेट कर सके। फार्मर बोरो फ्रॉम वेरियस सोर्स टू मीट इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर, इंप्लीमेंट्स एंड अदर फैमिली एक्सपेंस ऑफ मैरिज, डेथ, रिलीजियस सेरेमनी एक्सेट्रा। कहते हैं फार्मर्स के पास ना बेटा अलग अलग सोर्सेज होते हैं, चाहे वो बैंक से ले सकते हैं, मनी लेंडर से ले सकते हैं, जमींदारों से ले सकते हैं, और उनकी नीड्स भी क्या होती है बेटा एक तरीके से अलग अलग होती है। कहता है सो क्रेडिट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम इज क्रूशियल फॉर रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। तो बेसिकली अगर हम इस पॉइंट से समझे ना, एक कंक्लूजन निकल के आता है क्या सर, कि अगर हमें एग्रीकल्चर करना है तो एग्रीकल्चर करने के लिए हमें सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड क्या है? पैसा। पैसा जो है वो हमारे पास कहाँ से आएगा सर? क्रेडिट फैसिलिटी के थ्रू आएगा। लेकिन गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है बेटा, कि गांव के अंदर ना वो क्रेडिट फैसिलिटी अच्छे से नहीं चला पाती। कोई रीजन बताएगा इसका क्या है? फसल खराब होती है। ठीक है, और ठीक है फसल, और क्या रीजन है भाई? गांव का बेटा बैड डेब्ट्स बहुत है। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है? लोग पैसा तो ले लेते हैं लेकिन वापस गवर्नमेंट को रिटर्न। ठीक है, बहुत ज्यादा लोन जो होता है वहां पे पैसा मर जाता है, जिसकी वजह से बैंक को डर लगता है या गवर्नमेंट को डर लगता है कि इतना जो हम क्रेडिट दे रहे हैं वो हमारा पैसा वापस, और हर साल गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्कीम निकाल के क्या करना पड़ता है, फिर उसको माफ करना पड़ता है कि चलो हम आपसे वापस नहीं लेंगे। अब देखो क्वेश्चन आता है, कहता है व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फार्मर रिक्वायर क्रेडिट इन एग्रीकल्चर। कहता है सबसे ज्यादा किस लिए चाहिए होता है उनको? सी, क्योंकि बेटा क्रॉप बोने का और उगाने के बीच का जो टाइम गैप होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। हाउ डज क्रेडिट कंट्रीब्यूट टू द हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। कहता है किस तरीके से क्रेडिट जो है हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा? सी, बाय इनेबलिंग इन्वेस्टमेंट इन सीड्स, फर्टिलाइजर एंड इक्विपमेंट्स, यानी ये सब चीजें खरीद के हम अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। फिर आता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एन एफिशिएंट रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। कहता है क्या सिग्निफिकेंस है
रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम का, सी इट हेल्प्स रेज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम्स. बिसाइड एग्रीकल्चर एक्सपेंस फॉर व्हाट अदर पर्पस डू रूरल रिजाइड्स. भैया एग्रीकल्चर के अलावा किस किस के लिए चाहिए होता है? फैमिली एक्सपेंस, शादी, रिलीजियस सेरेमनीज एक्सेट्रा के लिए. व्हाट रोल डज टाइमली कैपिटल इन्फ्यूजन प्ले इन रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ. कहता है अगर गवर्नमेंट टाइमली उसके अंदर पैसा देती रहे ग्रामीण इलाकों में तो वो क्या रोल है या क्या बेनिफिट मिलेगा उससे. सी इट क्रूशियल फॉर स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इनकम जनरेशन इन अ रूरल. यही है बेटा इसके अंदर. ठीक है, पॉइंट देखो बेटा इधर. अब इसके बाद ये आता है कि रूरल डेवलपमेंट का क्रेडिट पढ़ लिया हमने. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये इसके सोर्स क्या होते हैं, सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट. पहले आते हैं बेटा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. इंस्टीट्यूशनल सोर्स का मतलब होता है बैंक, फाइनेंस, ये जो लीगल तरीके से चलता है, एक सिस्टमेटिक वे है जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स है. कहता है इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रूरल मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अदर एंटिटीज. इट अकाउंटेड फॉर द मोस्ट एफिशिएंट 7% ऑफ द जनरल क्रेडिट स्कोर रिक्वायरमेंट at the start of the main 5-year plan in 1950, but it is now due for approximately 70%. जब हमारा बेटा देश आजाद हुआ ना, तो जो भी ग्रामीण इलाकों की टोटल क्रेडिट नीड होती थी, ध्यान से सुनना वर्डिंग क्या कह रहा हूं. मान लो उस टाइम पे गांव के अंदर लोगों को, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, पहले पॉइंट को. उस टाइम पे मान लो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए टोटल 100 रुपए चाहिए होते थे, तो 100 रुपए में से 7% की जो नीड थी, यानी 7 रुपए की नीड कौन पूरी करता था? इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स पूरी करते थे. यानी बाकी 93% कौन पूरी करता था? नॉन इंस्टीट्यूशनल, यानी कि जमींदार, लैंड होल्डर्स. क्यों? उस टाइम पे बैंकिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता था, तो ज्यादातर लोगों को किसके ऊपर रहना पड़ता था? डिपेंडेंट, जमींदारों पे रहना पड़ता था. लेकिन कहता है आज जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसके अंदर लगभग कितना हो गया है? 70%. और अगर आज स्टिल द डेट का निकालोगे तो लगभग 80-90% है. यानी अब जमींदार वगैरह के पास लोग कम जाते हैं, अब किसके साथ डील करते हैं? वो बैंकों के साथ ज्यादा डील करते हैं बच्चे. अब इसमें आता क्या क्या है सर? पहला कॉपरेटिव क्रेडिट. कहते हैं मेन गेल ऑफ द गोल ऑफ द कॉपरेटिव इज टू फ्री इंडियन पीजेंट्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर एंड प्रोवाइड देम विद अ क्रेडिट एंड लो इंटरेस्ट रेट. ये खोली क्यों गई बेटा? देखो नाम ही क्या है इसका, कॉपरेटिव. कॉपरेटिव का मतलब उनके साथ कॉपरेट करने के लिए. कॉपरेट कैसे करा? गवर्नमेंट को पता था ये सब बंदे ना एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि इन्होंने जमींदारों से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या ले रखा है, लोन ले रखा है, और ये उनका लोन नहीं उतार पा रहे. तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आई, इन्होंने कहा कि हम आपको कम ब्याज दर पे क्या देंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे, और उससे आप आगे क्या करो, अपना लोन चुका दो, जिससे कि आप इस कर्ज से बाहर निकल सको. ठीक है, यानी हेल्प के तौर पे क्या खोली गई? कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोली गई. कहता है इट वाज एस्टैब्लिश्ड विद द गोल ऑफ फैसिलिटेटिंग स्मॉल एंड मीडियम साइज फार्मर कंप्लीट फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट. ये ज्यादातर छोटे और मीडियम साइज फार्मर्स के लिए थी, लार्ज फार्मर्स के लिए ये ओपन नहीं करी गई. लैंड डेवलपमेंट बैंक्स खोले गए. These institutions lend money to the farmer in exchange for a line on their property. Basically क्या है? Land Development Bank का मतलब है एक बैंक आया, उसने कहा हम आपको बहुत ही कम ब्याज दर पे क्या दे देंगे, लोन दे देंगे, लेकिन उसके बदले में आप अपनी जमीन क्या कर दोगे, हमारे पास गिरवी रख दोगे मान लो. ठीक है, Loans are available for the permanent property improvement, the purchase of farming tools and the repayment of the past obligation. ये काम कहाँ कहाँ पे ले सकते थे आप पैसे? आपने जो पिछला उधार लिया है उसे चुका दो, नए इक्विपमेंट्स ले लो, जमीन को अगर डेवलप करना है यानी कुछ बनाना है आपने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आप उससे कर सकते थे. फिर आता है बेटा कमर्शियल बैंक क्रेडिट. कहता है कमर्शियल बैंक इनिशियली प्लेड अ माइनर पार्ट इन प्रमोटिंग रूरल क्रेडिट. हाउएवर आफ्टर द नेशनलाइजेशन इन 1969 दे एक्सटेंडेड देयर रूरल ब्रांचेस एंड बिगन डायरेक्टली फाइनेंसिंग सिस्टम. जैसे कि मैंने आपको बताया 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारे यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग, लेकिन 1969 तक आते हुए SBI एक ब्रांच ऐसी थी जो सब जगह क्या हो गई थी, पूरे देश में नेशनलाइज्ड हो गई. तो उसने अब ग्रामीण इलाकों के अंदर भी क्या करा बेटा, छोटे छोटे बैंक्स खोले जिससे कि लोगों को बेनिफिट दे सके. रीजनल रूरल बैंक्स. इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल ओरिएंटेड नेशन विद अ लार्ज पॉपुलेशन एंगेज इन द एग्रीकल्चर. भैया सबको पता है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो एग्रीकल्चर का होता है, और ज्यादातर पॉपुलेशन डिपेंडेंट भी किस पे है बेटा, हमारे यहाँ की एग्रीकल्चर पे है. दस इन ऑर्डर टू यूटिलाइज दिस सेक्टर एंड कनेक्ट इंडियन फार्मर विद द बैंक्स इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश रीजनल रूरल बैंक. तो इन सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या खोले बेटा, RRB का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक्स खोले गए. रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया प्ले अ की रोल इन प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटी टू फार्मर लिविंग इन द रिमोट एरिया. इसका मेन मकसद क्या था बेटा, ग्रामीण इलाके जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम नहीं है,
ये वहां के लिए खोले गए, और वहां पे जो लोग थे फार्मर्स थे उनकी हेल्प के तौर पे क्या खोले, उन्होंने रीजनल रूरल बैंक्स खोले। बेटा नबार्ड जरूर पढ़ लेना, नबार्ड सबसे फेमस है और आता भी है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नबार्ड बेसिकली क्या है बेटा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इज द अपेक्स बैंक विच हैज टू कोऑर्डिनेट विद द फंक्शनिंग ऑफ अ वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट आर वर्किंग फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द रूरल क्रेडिट। यानी बेसिकली जैसे आरबीआई है, आरबीआई सारी कमर्शियल बैंक्स को संभालता है ना, नबार्ड भी संभालता है, लेकिन नबार्ड का और किसी बैंक से लेना देना नहीं है, वो जितने भी रूरल बैंक्स हैं यानी ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उसका कर्ता धर्ता कौन होता है बेटा, नबार्ड होता है। उसका नाम ही देख लो क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। यानी ये प्रॉपर गवर्नमेंट ने किस लिए खोला, एग्रीकल्चर की देखरेख के लिए एक नेशनल बैंक बना दिया गया जो सबको कंट्रोल करता है। कहता है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ नबार्ड इज टू प्रमोट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव एंड रीजनल रूरल बैंक्स। इट आल्सो प्रोवाइड असिस्टेंस टू द नॉन फार्म सेक्टर फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द बैकवर्ड रूरल एरिया। देखो बेटा नाम से पता चल रहा है नबार्ड का मेन मकसद क्या था, नबार्ड का मेन मकसद ये था कि जितने भी बैंकिंग सिस्टम किसके लिए काम करते हैं, हमारे ग्रामीण इलाकों के एग्रीकल्चर के लिए काम करते हैं, उनको गाइड करे या कुछ इस तरीके के प्रोजेक्ट लेके आए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर नहीं है लेकिन एग्रीकल्चर की हेल्प के लिए किए जा सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसे SHG के नाम से जानते हैं हम, SHG। द प्राइमरी एम्फेसिस ऑफ SHGs इज ऑन द रूरल पुअर हु लैक लॉन्ग टर्म एक्सेस टू द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। अब देखो आप समझो, ग्रामीण के अंदर देखो सेप बने पहले, अगर हम इसको समझे ना, आप एक स्टोरी रूप में याद करो। देखो सबसे पहले क्या हुआ होगा, देश आजाद हुआ होगा, देश आजाद होते ही बेटा हमारे यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम नहीं था। अब किसानों को चाहिए था लोन, किसान किसके पे, जमींदार और लैंडलॉर्ड्स पे, लैंडलॉर्ड्स पे गए, उन्होंने उनको बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज दे दिया। अब जब गवर्नमेंट थोड़ी सी स्टेबल हुई, गवर्नमेंट को यह समझ आया भैया ये तो एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, इन्हें इससे बाहर निकालना है, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या बनाई सर, कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम बनाया, जिनका काम क्या था कि आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोन देंगे जिससे कि आप उनको रीपे करके उससे बाहर निकल जाओ। उसके बाद क्या हुआ, लैंड डेवलपमेंट बैंक, गवर्नमेंट को दिखा भैया जमीनें तो हैं लेकिन इसके ऊपर बनाने के लिए इनके पास पैसे, उन्होंने कहा हम लैंड डेवलपमेंट बैंक देते हैं, आप हमें अपनी जमीनें गिरवी रखो, हम उसके बदले में आपको पैसा देंगे, आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करो, इक्विपमेंट्स खरीदो जिससे कि आप ग्रो कर सको। जब ये हो गया तो अब हमारे यहाँ पे क्या आ गए सर, कमर्शियल बैंक्स आ गए। कमर्शियल बैंक्स में आए, अब क्या हुआ, 1969 के अंदर नेशनलाइज हो गया सिस्टम, तो जो कमर्शियल बैंक सिर्फ शहरों में काम कर रहे थे वो कहाँ पहुंच गए बेटा, एक तरीके से गाँव में पहुंच गए उनकी हेल्प के लिए। फिर आए रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स वहां के लिए खोले गए, नाम से पता चल रहा है। देखो अब मान लो कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक किसी भी यूपी की जगह पे आप चले गए, ठीक है, वहां पे कोई एक शहर है, उस शहर जैसे शाहदरा है, तो शाहदरा के अंदर भी तो बहुत कुछ पड़ता है ना भाई, नन नगरी भी है, ये सब कुछ शाहदरा का एरिया है, ऐसी एक उसके अंदर भी होगा, तो शाहदरा की तो एक ब्रांच खुल गई, लेकिन उन छोटे छोटे इलाकों में क्या खुलेगा, उन छोटे छोटे इलाकों में गवर्नमेंट ने क्या खोल दिया, रीजनल रूरल बैंक्स खोल दिए, जो उस रीजन को ही कैप्चर करते हैं। रीजन का मतलब होता है एक पूरा एरिया, उस रीजन के लिए गवर्नमेंट ने बैंक खोले कि आप उसकी हेल्प कर दोगे। फिर जब इतना कुछ हो गया तो गवर्नमेंट ने कहा यार कमर्शियल बैंक्स का अलग प्रोसेस है, वो तो सबको लोन देते हैं, हमें एक ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहिए जिसका मेन मकसद या मेन प्रायोरिटी क्या हो, सिर्फ एग्रीकल्चर को देखना। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक सिस्टम तैनात किया जिसका नाम क्या था, नबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक बना दिया। अब यहां तक क्लियर हो गया। अब जब ये सब कुछ हो गया तो गवर्नमेंट को एंड में ये समझ आता है कि भाई एक बात बताओ, ये सब कुछ तो कर दिया लेकिन गांव में ऐसे किसान भी तो होंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ना लोन लेने के लिए, या वो इलिटरेट है उनको कुछ नहीं पता, तो उसके लिए उन्होंने क्या खोला बेटा, SHG खोल दिया। फिर क्या खोल दिया, उसका काम क्या था बेटा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, लिखा भी है द प्राइमरी एम्फेसिस ऑफ SHG इज ऑन द रूरल पुअर, गरीब जो थे वहां, हु लैक लॉन्ग टर्म एक्सेस ऑफ द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, जिसको फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का कुछ भी नहीं पता था कि कैसे फॉर्म भरते हैं, कैसे हमें लोन मिलेगा। देयरफॉर द टारगेट कस्टमर ऑफ द SHG इंक्लूड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स, आर्टिसंस एंड सो ऑन। SHG एनकरेज थ्रिफ्ट इन स्मॉल पोर्शन बाय आस्किंग फॉर अ मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर, क्रेडिट इज गारंटेड टू नीडी मेंबर्स ऑफ एट फेयर इंटरेस्ट रेट टू बी रिटर्न इन अ स्मॉल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द पूल्ड फंड। ये क्या करते थे बेटा, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते थे, फिर जरूरतमंद लोगों की एक लिस्ट बनाते थे, जो सबसे ज्यादा जरूरी बंदा लगता था उसको लोन देते थे, और उनसे कहते थे कि आप किस्तों में हमें क्या करना है, ये पैसा वापस कर देना और अपना आप काम चला देना। तो इस तरीके से क्या करा बेटा, एक एग्रीकल्चर सिस्टम बनाया गया या लोन सिस्टम बनाया गया जो कि किसकी हेल्प कर सकता था, एग्रीकल्चर या फार्मर्स की हेल्प कर सकता था। ठीक है यहाँ तक।